ब्रेकिंग न्यूज देखिए, सीज फायर खत्म होने के बाद रूस ने बाखमुत में हमले तेज कर दिए हैं। कई इलाकों में रूस ने सैन्य अभियान तेज कर दिया है। सोलेडार में रूस ने यूक्रेनी सैन्य बेस तबाह कर दिया। टैंक से यूक्रेनी ठिकाने पर बरसाया ताबड़तोड़ बारूद। यूक्रेनी ठिकाना तबाह कर दिया रूस ने। यह वीडियो देखिए कैसे यूक्रेनी ठिकाने को तबाह किया है रूस ने। एक और बड़ी खबर है बाखमुत से। बाखमुत में रूस और यूक्रेन के बीच जबरदस्त फायरिंग हुई है। रूस और यूक्रेन के जवान आमने सामने आ गए हैं। ऑटोमेटिक गन और रॉकेट लॉन्चर से एक दूसरे पर अटैक। और एक और बड़ी खबर है, रूसी हमलों का करारा जवाब दे रही है यूक्रेनी आर्मी। यूक्रेनी टैक्टिकल ग्रुप एडम ने संभाल लिया है मोर्चा। बाखमुत में रूसी सेना पर ताबड़तोड़ हवाई और जमीनी हमले। रूस के कई टैंक और आर्टिलरी तबाह करने का दावा। कई इलाकों में रूसी सेना को घेर कर ढेर कर दिया है, ये यूक्रेन ने दावा किया है। तो यूक्रेन की आर्मी का एडम ग्रुप कैसे मोर्चा संभाल चुका है ये आप देखिए। तो तीन तस्वीरें और तीन बड़ी खबरों के साथ आके हैं, एक साथ आपको दिखाते हैं कैसे ये खबरें आपको बताएंगी, कैसे रूस इस वॉर में अब बिल्कुल यूक्रेन को अग्निकुंड में तब्दील कर देना चाहता है। सीज फायर खत्म होने के बाद रूस ने बाखमुत में हमले तेज कर दिए हैं। तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको कैसे टैंकों से आर्टिलरी से हमले किए जा रहे हैं। कई इलाकों में रूस ने सैन्य अभियान तेज कर दिया। बाखमुत में रूस यूक्रेन के बीच जबरदस्त फायरिंग हुई है। उस फायरिंग की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए कैसे यहां पर रूस और यूक्रेन के जवान आमने सामने हैं और कैसे यूक्रेन की आर्मी का एडम ग्रुप, यूक्रेनी टैक्टिकल ग्रुप एडम ने मोर्चा संभाल लिया है और रूस पर हमले कर रहा है, वो आप इस तीसरी खबर में देखिए।